नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएम ई विद्या चैनल में। आपके साथ मैं हूं मुक्ता खंडियाल और आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव इंटरैक्टिव सेशन। और हम हाजिर हैं हमारी सोशल साइंस की इस क्लासरूम के साथ, कक्षा छठी के छात्रों के लिए आज का हमारा ये सत्र है। तो यानी कि आप हमारे ये कार्यक्रम पीएम ई विद्या के चैनल नंबर 6 पर इस वक्त लाइव देख रहे हो, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल जो कि एनसीईआरटी ऑफिशियल। और जो विषय आज के हमारे सत्र का रहेगा वो है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप भाग 2। और इसे पढ़ाने के लिए जो एक्सपर्ट आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे करा देना चाहते हैं। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर अबरार अहमद सर, इज लेक्चरर इन ज्योग्राफी एट GBSSS कालका जी न्यू दिल्ली। नमस्कार अबरार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपके सत्र। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार सभी का। और मैं अपने तमाम दर्शकों से कहना चाहूँगी, अगर आपके किसी भी तरह के डाउट्स हो, किसी भी तरह के प्रश्न आपके इस सत्र के लिए हो, तो आप हमें तमाम माध्यमों के द्वारा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, साथ ही ईमेल के द्वारा भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और आप चाहें तो हमारे साथ यूट्यूब के द्वारा भी, हमारे जो चैनल एनसीईआरटी ऑफिशियल उसके द्वारा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लाइव चैट बॉक्स ऑप्शन में अपनी क्वेरीज को आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के ये सत्र हम शुरू करते हैं, अबरार सर की तरफ रुख करते हैं, सर से जानते हैं। सर, आज का जो हमारा विषय है, तो आज के हमारे सत्र में हम किन किन बिंदुओं पर बात करेंगे, क्या क्या विषय आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं? देखिए मुक्ता मैडम, ये आज का जो हमारा जो विषय है, ये कक्षा 6 का एक पार्ट है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। और ये पार्ट हमारे मुख्यतः 5 अवधारणाओं को लेकर बना है। इसमें जो 5 अवधारणाएं हैं वो धरातल के पर जो स्थल रूप हैं उनके निर्माण की शक्तियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी शक्तियां ये स्थल रूपों का निर्माण करती हैं, और उसमें जो दूसरे दर्जे के जो हमारे सेकेंडरी जो हमारे स्थल रूप हैं पर्वत, पठार और मैदान, 3 ये इसमें लिए गए हैं, और एक स्थल रूपों का लोगों के जीवन पर महत्व। तो इन 5 अवधारणाओं को लेकर ये हमारा लेसन का निर्माण हुआ है। इससे पहले लाइव सत्र में जो हमारी पहली क्लास थी 17 तारीख को, उसमें हमने इसके जो 3 मेन कंपोनेंट्स हैं उन पर हम बात कर चुके थे कि धरातल पर जो स्थल रूप हैं इनके निर्माण की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, जिनमें आंतरिक शक्तियाँ और बाह्य शक्तियाँ, इन पर हमने चर्चा कर ली थी। और जो स्थल रूपों में पहले जो पर्वत क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या आर्थिक महत्व, इस पर हमारी चर्चा हो चुकी थी। पठारों के बारे में हमने जान लिया था। तो आज जो हमारा जो लाइव सत्र है, इसमें जो हमारी चर्चा के जो मुख्य रहेंगे, तो एक तो स्थल रूप पे हमें बात करनी है मैदान, और मैदान के साथ साथ जो इसका एक जो पार्ट बचा हुआ है कि भाई जो ये स्थल रूप है धरातल पर इनका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्यों उपयोगी है, तो इस पे हमें चर्चा करनी है। तो आज हमारी जो चर्चा के जो बिंदु रहेंगे वो मैदान और स्थल रूपों का लोगों के जीवन में महत्व रहेगा। और सर, तो जैसा कि आपने बताया प्रमुख बिंदु में से एक है मैदान, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मैदान क्या होते हैं और जो हमारे धरातल होते हैं उन पर अन्य जो स्थल रूप होते हैं उनसे इनकी क्या समानता होती है, या हम इनकी पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए, मैदान धरातल पर पाए जाने स्थलाकृति सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति होती है, और ये अति मंद ढाल वाली सपाट भूमि को हम मैदान कहते हैं। मैदान प्राय समतल और सपाट होते हैं। आमतौर से अगर देखें तो धरातल के पूरे लगभग 55% भाग पर मैदान फैले हुए, अगर धरातल को हम सारे को देखें तो उसके आधे से ज्यादा या 55% भाग पर हमारे मैदान फैले हुए। आमतौर से माना जाता है कि मैदान की जो औसत ऊंचाई है 200 मीटर होती है, और सामान्यतः हम देखें तो मैदान जो पर्वत और पठार जो होते हैं उनसे नीचे होते हैं। आप देख, अगर हम उनकी पहचान करें तो जब हम बच्चों को बताएंगे कि भाई मैदानों के को हमें कैसे पहचाने, तो आप देख सकते हैं कि एक पिक्चर में तीनों आप दिए, पर्वत भी दिया हुआ है, पठार भी दिया हुआ है और प्लेन भी दिया हुआ है। तो मैदान प्राय समतल और विस्तृत भूभाग होते हैं, इनका ढाल बड़ा मंद होता है। दूसरी बात यह कि मैदान की समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई लगभग 200 मीटर मानी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है 200 मीटर या इसके आसपास ही मैदान हो। संसार के कुछ मैदान ऐसे जो हजारों मीटर ऊंचे हैं, और कुछ मैदान ऐसे भी हैं जो समुद्र तल से भी नीचे हैं। नीदरलैंड का जो मैदान है वो समुद्र तल से नीचा मैदान है। मैदानों की ऊंचाई पर्वत और पठारों से कम होती है, अगर हम उसको जनरली देखते हैं, देखने से हमें पता लग जाता है कि वो ये मैदान है और ये पर्वत है, पठार है। तो एक ऐसी आकृति धरातल पर जिसका ढाल मंद है, सपाट है, विस्तृत है और ये तरंगित या लहरदार सा बना हुआ है, तो उसको हम मैदान कह सकते हैं, और इसको देखते ही इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। बिल्कुल। और सर, धरातल के जो अन्य स्थल रूप होते हैं जैसे कि मैदान, तो इनका निर्माण कैसे हुआ, आप हमारे छात्रों को अगर इसके बारे में भी बताएं। देखिए, जिस तरह से धरातल पर अन्य स्थल रूपों का निर्माण हुआ, उसी तरह से मैदानों के निर्माण की भी बड़ी रोचक कहानी है। मैदान कैसे बनते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि जो हमारा एक जनरल एक बात हम देखें तो मैदानों का जो निर्माण है वो नदियों द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी से हुआ है। अब इसमें मैदान, कुछ मैदान ऐसे होते हैं, अधिकांश जो बड़े मैदान है वो नदियों द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी से बने हैं। कुछ मैदान महासागरों की जो तली होती है
उसमें मलबा जमा होने से तटसट जमा होकर उसके ऊपर उठने से मैदानों का निर्माण होता है, जैसे गंगा का मैदान इसका उदाहरण है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि सागर पीछे हट जाते हैं और उनके तटों पर जो है मैदानों का निर्माण होता है, कर्नाटक का मैदान इसी के अंतर्गत आता है। ऐसा ही है, कभी कभी मैदानों के निर्माण में ऐसा होता है कि सागर में जो मलबा जमा होता रहता है और धीरे धीरे जो है वो सागर का जो तटीय भाग वो पीछे हट जाता है और वो मलबा जो मैदान है वो बाहर आ जाता है। इसमें जैसे कच्छ का रण है वो इसी प्रकार का बना हुआ है। कुछ मैदानों का निर्माण जो है वो भूमियों के जो ऊपर धरातल पर जो भी चीजें होती हैं, पर्वत पठार मैदान, इनके जो अपरदन के कारक हैं उसको घिसते रहते हैं, घिसकर भी वो मैदान का निर्माण कर देते हैं। कई सारी घटनाएं हैं जो मैदानों के निर्माण में, नदियों द्वारा भी बनते हैं, सागर के तटों के पीछे हटने से भी मैदानों का निर्माण होता है, और कुछ उच्चावच की शक्तियां कार्य करती हैं, वो भी धरातल को समतल करके मैदानों का निर्माण कर देती हैं। तो औरों के और पठार परतों की तरह जो मैदान होते हैं, जो मैदान है उनका निर्माण भी इसी तरह से होता है। सर, मैदान की जानकारी तो आपने हमारे दर्शकों, हमारे छात्रों को दे दी, तो सर क्या मैदान सभी एक तरह के होते हैं या इनमें कुछ अंतर होता है, और अगर अंतर होता है तो अगर इसके वर्गीकरण की भी जानकारी आप हमारे छात्रों नहीं मैदानों सब मैदानों को हम एक कैटेगरी में नहीं रह सकते। मैदान अलग अलग प्रकार के होते हैं। आमतौर से अगर हम बनावट की दृष्टि से देखें तो मैदानों को हम तीन भागों में बांट देते हैं, तीन वर्गों में रखकर हम इनका वर्णन कर सकते हैं। पहले संरचनात्मक स्ट्रक्चरल प्लेन, दूसरा है जो अपरदन द्वारा बने मैदान, इरोजनल प्लेन इनको कहा जाता है, तीसरा निक्षेपण द्वारा बने हुए मैदान जो निक्षेपों से बनते हैं। तो हमने तीन कैटेगरी में करके हम इनका कर सकते हैं। अब इसमें सबसे जो पहली कैटेगरी है इनको संरचनात्मक मैदान कहा जाता है। तो ये जो संरचनात्मक मैदान है इनका निर्माण जो लंबवत जो शक्तियां कार्य करती हैं धरातल पर भू संचलन की जो शक्तियां उनके द्वारा होता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो शक्तियां कार्य करती हैं धरातल के अंदर वो इससे संरचनात्मक मैदानों का निर्माण करती हैं। और ये मैदान दो प्रकार के होते हैं, तटीय संरचनात्मक मैदान और आंतरिक महाद्वीपीय मैदान है। अब देख सकते हैं कि ये तटीय संरचनात्मक मैदान है समुद्र के तट पर, समुद्र के तट पर या महाद्वीपों के तट पर समुद्र के ऊपर उठने के कारण मैदानों का निर्माण होता है। जैसे प्रायद्वीप भारत का पूर्वी तटीय मैदान है वो इसी प्रकार बना है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी अटलांटिक तटीय मैदान है। तो लंबवत संचलन के कारण जब सागर का तट या महाद्वीपों के जो निगमन तट होते हैं वो समुद्र से ऊपर उठ जाते हैं और मैदानों का निर्माण हो जाता है। तो ये इस तरह का संरचनात्मक मैदान होता है। इसका ढाल समुद्र की तरफ को धीमा होता है और ये क्षैतिज अवस्था में जो चट्टाने पड़ी होती हैं उस तरह का होता है, और महाद्वीपों के किनारे पर इस प्रकार के मैदान मिलते हैं। संरचनात्मक मैदान का जो दूसरा भाग है वो आंतरिक मैदान, आंतरिक संरचनात्मक मैदान कहलाता है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में भी जहाँ कभी पहले थोड़ा अच्छे चले सागर थे उनकी तली में लंबे समय तक जमा हुआ मलबा लाकर नदियों ने दूसरे कारकों ने जमा किया और इसमें भू संचरण के कारण ये धरातल ऊपर उठ गया और ये मैदान का निर्माण हो गया। तो ये महाद्वीपों के आंतरिक भागों में होते हैं, इनको आंतरिक उच्च मैदान भी कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो मध्यवर्ती मैदान है, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो मध्यवर्ती मैदान है वो बिल्कुल इसी तरह के मैदान है, आप इनको स्क्रीन पर देख सकते हैं ये। अब दूसरा जो मैदानों का वर्ग है वो अपरदन द्वारा बने हुए मैदान है, क्योंकि धरातल पर अपरदन की क्रिया निरंतर चलती रहती है और अपरदन के जो कारक हैं नदियां हैं, पवन है, हिमनदी है, भूमिगत जल है, ये कारक निरंतर कार्य करते रहते हैं। ये भी धरातल के जो ऊंचे उठे भागों को घिसकर जो है नीचा करते हैं और मैदानों का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार जो बने हुए मैदान होते हैं पूर्णतः समतल नहीं होते, उनमें बीच बीच में कुछ टीले या कुछ ऊंची नीची चीजें पाई जाती हैं और इनको भी हम कई भागों में बांट लेते हैं जो अपरदन के द्वारा बने हुए मैदान है। इनको जब देखेंगे तो जैसे जैसे जो कारण काम करता है उसी के हिसाब से अपरदनात्मक मैदान होते हैं। जैसे नदी ने अपरदन का कार्य किया तो नदी द्वारा बने हुए अपरदनात्मक मैदान है, या इनको पेनी प्लेन कहा जाता है, या हिमनदी ने जो कार्य किया हिमनदी के द्वारा जो मैदान है उनको ये हिमनदी द्वारा निर्मित मैदान कहते हैं। पवन ने जहाँ जहाँ कार्य किया है तो पवन द्वारा अपरदित मैदान है। ऐसी क्रॉस प्रदेशों की भूमिगत जल है वो कार्य करता है उसके द्वारा बने हुए मैदान है। अब नदी द्वारा जो पर्वतीय मैदान है उनको हम देख सकते हैं, नदी का बनाया हुआ मैदान है। तो इसमें ये मैदान नदियों के और जो अपक्षय के जो कारण है उनका सम्मिलित प्रभाव से बनता है, ये बिल्कुल चपटा ना होकर धीमे ढाल वाला होता है और इसमें बीच बीच में कहीं चट्टानी टीले नजर आते हैं जिसको मोनाड नोक कहा जाता है। तो ये मोनाड नोक का चित्र है, मैदान है और बीच में एक चट्टान सी खड़ी होती है। तो ये नदी के अपरदन द्वारा बना हुआ मैदान है।
इसी तरह से जब हम देखते हैं कि हिमनदी, बर्फ की जो नदी होती है, बर्फ की जो नदी को हिमनदी कहते हैं, और जब वो बहती है तो अपने साथ धरातल के को घिसती है और मैदानों का निर्माण करती है। इस प्रकार के जो मैदान होते हैं उनके बीच में गोलाकार चट्टानी टीले और झील और मेष शिलाएं दिखाई देती हैं। उत्तरी अमरीका के उत्तरी भागों में, यूरेशिया के उत्तरी भागों में इस प्रकार के मैदान पाए जाते हैं। भारत में भी इस तरह का मैदान है जो बना हुआ, लद्दाख का जो मैदान है वो इसी तरह से बना हुआ, हिमनदी द्वारा प्रदित मैदान है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे पवन द्वारा प्रदित मैदान, तो जहाँ शुष्क क्षेत्र हैं और अर्ध शुष्क क्षेत्र है, मरुस्थलीय धरातल है, वहाँ पर पवन का आपर्दन कार्य शुरू होता है और वो ऊंचे भागों को काट छाट कर समतल मैदानों का निर्माण करते हैं। इन मैदानों में प्रायः जो देखते हैं कि बालू आपको फैली हुई मिलेगी और ये कहीं भी नग्न नहीं दिखाते, बीच में चट्टानी टीले इनमें पाए जाते हैं। सहारा रेगिस्तान में, अरब के मरुस्थल में और थार के मरुस्थल में भी इस प्रकार के मैदानों का निर्माण होता है। हमादा रेग, ये सेरिर इनको कहा जाता है। और कभी कभी पवन और नदी के सम्मिलित प्रभाव से पर्वतीय भागों के सहारे भी आकृतिहीन मैदानों का निर्माण होता है, जिनको पदस्थलीय पेडीप्लेन मैदान कहा जाता है। इनको चित्र में देख सकते हैं कि नदी किस तरह से मैदान का निर्माण करती है। तो ये जब पवन, ये पवन जब चलती है तो अपने साथ धूल मिट्टी उड़ा के ले जाती है और ये धरातल की ऊपरी सतह को प्लेन करती है और मैदानों का निर्माण करती है। तो ये पवन द्वारा प्रदित मैदान है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा चौथा कारक है भूमिगत जल, भूमिगत जल जब चूना प्रधान चट्टानों में होकर बहता है तो उसके अपरदन कार्य बड़ा सक्षम होता है और वहाँ पर ये क्रास प्रदेश का निर्माण है, क्रास मैदानों का निर्माण करता है। यूगोस्लाविया में इस प्रकार का की आकृतियाँ बहुत सारी मिलती हैं, मैदान मिलते हैं भूमिगत जल द्वारा बने हुए, फ्लोरिडा में और क्रास प्रदेश में। भारत में भी हम चित्रकूट में, रामगढ़ में और अल्मोड़ा में चूने की जो चट्टाने, वहाँ पर हम इस प्रकार के मैदानों का को देख सकते हैं। तो ये जो हमारे चार प्रकार के मैदान थे जो जिनका मैंने जिक्र किया, ये अपरदन द्वारा बने हुए थे। अब अगला जो हमारा कैटेगरी है वो निक्षेपण द्वारा बने मैदान है, जो निक्षेप कहते हैं। निक्षेप कहते हैं मलबे को जमाना, एक जगह से उठाकर जब वो करते हैं, तो ये तो काट के मैदानों को बना रहे थे। निक्षेप जो मलबा उठा है उसको जब वो धरातल पर बिछाएंगे तो उससे मैदानों का निर्माण होता है। और ये तल सब इसमें भी नदियां, पवन, हिमनदी द्वारा जो ढोए हुए अवसाद हैं उनके जमा करने से मैदानों का निर्माण होता है। और ये मैदान भी उसी तरह से, इसको भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे नदी द्वारा बना हुआ मैदान या हिमनदी द्वारा बना हुआ मैदान, पवन द्वारा बना हुआ मैदान। और इनको हम देख लेते हैं, जैसे ये निक्षेपण के हैं, नदी से के निक्षेप से बने मैदान है, हिमनदी के निक्षेप से बने हुए मैदान है, पवन के निक्षेप से बने हुए मैदान है, या लावा के निक्षेप से बने मैदान है, झीलों के निक्षेप से बने मैदान है। अब हम इनको देख लेते हैं, पहले नदी के निक्षेप से बने मैदान, ये नदी के द्वारा बनाए हुए मैदान है। लेकिन नदी जब पर्वतीय क्षेत्रों से में बहती है तो उसकी का वेग बहुत तेज होता है, धारा बहुत तेज गति से बहती है और चट्टानों को काटने का काम ज़्यादा करती है। लेकिन जैसे ही वो पर्वतों से बाहर आती है, पर्वतों की तलहटी पर आती है, तो उसके साथ जो मोटे मोटे पत्थर वो आते हैं तो उसके पर्वतों के पैरों में वो जमा हो जाते हैं, मोटी रेत, मोटे पत्थर वगैरह से उनसे एक मैदान का निर्माण होता है जिसे भावर क्षेत्र कहते हैं। तो हमारा हिमालय से जैसे निकलते हैं तो हमारा उत्तराखंड में और हिमाचल में जो पर्वतों के निकलते हैं जो मैदानों का निर्माण हुआ वो गिरिपज रोड मैदान कहलाते हैं। लेकिन जब नदी मैदानी क्षेत्र में आ जाती है पर्वतों से निकल के, तो नदी का विस्तार बहुत दूर तक हो जाता है और उसके बाढ़ के पानी के साथ मिट्टी धरातल पर जमती है, उससे जो मैदान का निर्माण होता है वो बाढ़ का मैदान कहलाता है। फिर ऐसी जब नदी समुद्र के किनारे जाती है तो उसकी धारा बहुत धीमी हो जाती है और जो उसके साथ में मलबा बह के आता है वो डेल्टा मैदान के रूप में वो उसका निक्षेप हो जाता है और उनका निर्माण हो जाता है। इनको हम अलग अलग तरह से देखते हैं कि गिरिपद मैदान है, पर्वत के जो आगे जब नदी पर्वतों से निकलती है तो मोटी रेत, मोटे मोटे पत्थर के मैदान बना हुआ है, जिसको गिरिपद मैदान कहते हैं। भारत में इसको भावर के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से ये बाढ़ का मैदान है कि जब नदी मैदानों में बहती है तो बाढ़ के पानी के साथ में बहुत सारी मिट्टी बह के आती है और वो मिट्टी को जब बिछाती है कांप मिट्टी को, तो उसमें मैदान का निर्माण होता है, इसको बाढ़ग्रस्त मैदान कहते हैं। तो बाढ़ग्रस्त मैदानों में दो शब्द और आपको मिलेंगे, खादड़ और एक बांगड़। जहाँ जहाँ नदी का पानी अब भी पहुँचता है और वहाँ पर हर साल नई मिट्टी, पुरानी मिट्टी मिलती रहती है, वो खादड़ कहलाता है। और जिन क्षेत्रों में नदी का पानी नहीं पहुँच पाता, बहुत पहले मैदानों का निर्माण हुआ है, उनको हम बांगड़ कहते हैं। अब इसी तरह से ये डेल्टा का मैदान, जब नदी समुद्र के किनारे गिरती है तो उसकी धारा बहुत धीमी हो जाती है, उसके साथ में जो मलबा आया हुआ होता है वो शाखाओं के बीच में मैदान के रूप में बिछ जाता है, ये डेल्टा मैदान कहलाता है। ये तो नदी के निक्षेप से बने हुए मैदान है। अब ये हिमनदी के निक्षेप से बने हुए मैदान आप देख सकते हैं कि हिमनदी जब बहती है, जैसे ही ये इसके साथ के जो बड़े बड़े पत्थर और टुकड़े आते हैं उनको बिछाती है, तो उसे टिल मैदान कहा जाता है।
लेकिन जब बर्फ पिघलता है, पिघलने से उसके साथ में छोड़ा हुआ जो मलबा होता है उनसे जिन मैदानों का निर्माण होता है उनको हिमोड मैदान कहते हैं। तो ये इसके नदी द्वारा पवन के निक्षेप से भी बने बहुत सारे मैदान बनते हैं। पवन अपने साथ रेत उड़ाकर ले जाती है और जब पवन का वेग कम हो जाता है तो इसको बिछा देती है और इसे पवन के निक्षेप से बने मैदान को पवन निक्षेपित मैदान कहते हैं। सहारा में, अरब में, कालाहारी मरुस्थलों में इस प्रकार के मैदान पाए जाते हैं। और जब पवन बहुत दूर तक कहीं चली जाती है और बहुत महीन कम उड़ा के साथ में ले जाती है और दूर दूर जाकर उनको निक्षेपित करती है तो लॉयस का मैदान कहलाता है। जैसे चीन का लॉयस का मैदान बहुत फेमस है। तो ये नदी के निक्षेप से अगला जो मैदान है वो लावा निक्षेप से बना हुआ मैदान है कि जब धरातल के अंदर से लावा निकलता है और वो धरातल पर फैलता है तो एक लंबे समय में जाके जब वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है एक मैदान का रूप ले लेता है तो उसे लावा के निक्षेप से बना हुआ मैदान कहते हैं। स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हैं बिल्कुल कि किस तरह से लावा फैल रहा है और लावा के निक्षेप से मैदान बन रहे हैं। इसी तरह से ये कि झील के में, अब झील है, झील में मलबा भरने से और झील के आस जब ये भर जाएगा तो मैदान का रूप ले लेगी तो झील में निक्षेप से बना हुआ मैदान कहलाता है। तो ये इस तरह से हमने निक्षेपित मैदान किए हैं। अब आगे ये जो है इसका ये रहता है कि भाई इनका महत्व क्या है मैदानों का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्थल रूप है। तो मैदानों के महत्व की जब बात आती है तो सबसे पहली बात है तो मैदानों का आर्थिक महत्व सबसे ज्यादा ये है कि उपजाऊ मिट्टी में पाई जाती है। एग्रीकल्चर का जितना काम है सारा मैदानों में होता है और ये सभ्यताओं के केंद्र है क्योंकि मैदानों का ज्यादातर निर्माण नदियों के निक्षेपों से हुआ है और वहां पर उपजाऊ मिट्टी है, कृषि की सभी प्रकार की फसल इसमें उगाई जा सकती हैं तो उपजाऊ मृदा ये इनसे इनमें मिलती है। दूसरी उद्योग धंधों का विकास सारा मैदानों में हुआ, परिवहन के साधन, यातायात का विकास इन मैदानों में हुआ है। ऐसी सभ्यताओं के केंद्र कहे जाते हैं। हम जितने नगरों को देखेंगे, बड़े बड़े नगर देखेंगे, वो सब वो मैदानों में। तो आर्थिक गतिविधियों का केंद्र मैदानों को कहा जाता है और मैदानों में ही लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं आर्थिक रूप से भी। तो ये मैदान स्थल रूप के रूप में लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। बिल्कुल। और सर अभी तक हमारे सेशन में हमने मैदानों पर विस्तार से आपसे जानकारी है, नीम के वर्गीकरण के बारे में आपने बताया, निक्षेपण से बने मैदानों की आपने हमें जानकारी दी। लेकिन सर अब जैसे बात करें, हमने अभी तक जो पढ़ा है धरातल में हमने तमाम स्थल रूपों के बारे में पढ़ा है, तो इनका हमारे जो आमतौर पर जीवन होता है उससे क्या संबंध होता है? हाँ, देखिए किस तरह से हमारा जीवन प्रभावित हो सकता है। हाँ, यही बेसिक इसकी थीम है कि हमने मैदान पढ़ लिए, पठार पढ़ लिए, लेकिन ये हमें किस तरह से प्रभावित करते हैं। देखिए स्थल रूपों का और मैदानों का जब संबंध की हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पहले हम ये देखें कि स्थल रूपों की भिन्नता के अनुरूप ही लोगों के जीवन में भिन्नता पाई जाती है। जैसे जैसे स्थल रूप होगा वैसे वैसे वहां के लोगों का रहना सहना होगा। हमें देखते हैं कि मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोग और पठारी क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो उनके उनका जो रहने सहने का ढंग है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। और आमतौर से ऐसा माना जाता है कि पठारों में और पर्वतों में जो जीवन है वो कठिन होता है मैदानों के मुकाबले में, मैदानों में जो जीवन है वो थोड़ा सरल होता है। अब इनको हम अलग अलग करके देख सकते हैं, एक एक चीज को देख सकते हैं कि पहले हम स्थल रूप को देखें, जलवायु को देखें, स्थल रूप का जलवायु के साथ क्या संबंध है। अब पर्वतीय स्थल रूप कहीं पर होगा तो वहां जलवायु बिल्कुल अलग तरह की होगी, ऐसी जहां पठारी क्षेत्र होगा वहां की जलवायु अलग तरह की होगी और जो मरुस्थलीय क्षेत्र होगा वहां की जलवायु। तो जैसा स्थल रूप है, स्थल रूप में भिन्नता, उसमें जलवायु में भिन्नता पाई जाती है और जलवायु में भिन्नता ही लोगों के जीवन में भिन्नता पैदा कर देती है, उसका खाना पीना रहना सहना सब बदल जाता है। इसी तरह से जब हम लोगों को देखते हैं कि लोगों के आवास, मकान, उनके वस्त्र, उनका खाना पीना, वो भी स्थल रूपों से प्रभावित होता है। अब जहां जैसा स्थल रूप है, पर्वतीय क्षेत्रों में मकान बिल्कुल अलग तरह के होंगे, उनकी बनावट अलग तरह की होगी, मैदानी क्षेत्रों में मकानों का निर्माण और अलग तरह से होगा, पठारी क्षेत्रों में अलग से होगा, दलदली क्षेत्रों में अलग से होगा। तो जिस तरह के जैसे जैसे स्थल रूप होते हैं वहां पर आवास भी बदल जाते हैं, वस्त्र भी बदल जाते हैं, खान पान भी बदल जाता है। जब हम खेती को देख लें, खेती करने का ढंग बदला हुआ होगा, मैदानी क्षेत्रों में खेतों का आकार, खेती के तरीके अलग होंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में अलग प्रकार के होंगे। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादातर खेती सीढ़ीदार खेतों में होती है, मैदानों में बड़े बड़े समतल क्षेत्र है तो बड़े बड़े खेत पाए जाते हैं। अगर हम परिवहन के साधनों को देखें तो परिवहन के साधनों में भी स्थल पर भी स्थल रूपों का प्रभाव नजर आता है, वहाँ की सड़कें और मैदानी क्षेत्रों की सड़कें हैं वो बिल्कुल अलग अलग मिलेंगी। तो ये हर तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो अब इनकी सारी भिन्नताओं को अगर हम देखें स्थल रूपों की, कि भाई ये आग है, तो ये आर्थिक क्रियाओं में भिन्नता होती है। स्थल रूप जलवायु में भिन्नता पैदा कर देते हैं, स्थल रूप आवास वस्त्र और खान पान में भी भिन्नता पैदा कर देते हैं, कृषि फसलों में भी भिन्नता आ जाती है, उद्योग धंधों में भिन्नता आ जाती है,
पशुपालन में भी भिन्नता है, तो जितनी भी हमारी आर्थिक गतिविधियां, वन्य जीवन बिल्कुल अलग अलग मिलेगा पर स्वरूपों के हिसाब से, और मिट्टी और धरातल में भिन्नता, रहन सहन और रीति रिवाज में भी अलग है, यहाँ तक शादियां त्योहार हमारे अलग अलग तरह से मिलते हैं। तो हमारे जीवन की जो तमाम क्रियाएं होती है किस तरह से हमें भिन्नता आ सकती है धरातल के तरह तरह के स्थल रूपों से, ये हमने आज जाना, मैदान के बारे में हमने जाना। अबरार सर, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जितनी अच्छे तरीके से आज की सेशन हमारे स्टूडेंट्स तक डिलीवर करा उनको उतनी ही अच्छे तरीके से समझ आया है। उम्मीद करते हैं आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अबरार सर, आपका एक बार फिर से धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, आपने तो जो सेशन था आज का, ये जो हमने धरातल के अन्य स्थल रूप पढ़े, आज अपने मैदान के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमारे स्टूडेंट्स को दी, उसके लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद, और सभी दर्शकों का और सभी विद्यार्थियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कहीं मत जाइएगा, फिलहाल हम इस सत्र को यहीं पर समाप्त करें, लेकिन जल्द हाजिर होंगे अपने अगले सत्र के साथ जो कि है वेबिनार। जुड़े रहिए पीएम विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल से। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।